हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मैं कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं दिवाली में व्यस्त हो गई थी, उसके बाद दिवाली के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं आप लोगों के लिए कोई भी ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। आज मैंने सोचा कि आज से मैं फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए, मैं आप लोगों को आज इसमें नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप आइए देखिए किस तरीके से मैंने नारियल की चटनी बनाई है। इस नारियल की चटनी को आप आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर घर पर तैयार कर सकते हैं, जो कि अपन सभी कोई सी भी चीज़, अगर आप रोटी सर्व कर रहे हैं, पराठे सर्व कर रहे हैं, उसके साथ में आप साथ में ये रेसिपी कि अगर आप नारियल की चटनी शेयर सर्व करेंगे तो वाकई बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आइए मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि इस नारियल की चटनी के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। इसमें सिंपल सा मैंने क्या किया है, आधा नारियल ले लिया है घर पे ही, मैंने साफ़ करके इसको आधे नारियल के टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा कोथमीर ज़्यादा लिया है, धनिया की मात्रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि धनिया के टेस्ट से ये नारियल की चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके धो करके ले लिया है। साथ में मैंने क्या किया था कि चने की दाल, 2 चम्मच चने की दाल मैंने इसे गला दी थी। मैंने 2 चम्मच चने की दाल गला के रखी थी, वो मैंने ली है। अगर आपके पास में चने की दाल अवेलेबल नहीं है या फिर गला नहीं पाए, इंस्टेंट आपको बनाना है, तो आप चने जो आते हैं भुने हुए चने, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, मैंने मीठा नीम लिया है, 4 कुई मैंने लहसुन के ली है, 2 हरी मिर्च ली है। बघार लगाने के लिए, चटनी बनने के बाद में इस पर एक बघार लगाऊंगी मैं, उसमें मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल ली है आधा चम्मच, आधा चम्मच मैंने राई ली है और स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ किस तरीके से इस चटनी को तैयार करना है और किस तरीके से इसमें मैं बघार लगाऊंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब अपन चलते हैं किचन की साइड। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें हम लोग सारी चीज़ें ऐड करेंगे। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे नारियल, जो हम लोगों ने आधा नारियल साफ करके लिया था वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है। उसके बाद में इसे मिक्सर में हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर मिक्सर में, मैंने अभी यहाँ पे नारियल का जो आधा टुकड़ा मैंने इसमें ऐड किया था उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए, अभी मैंने इस तरीके से नारियल की नारियल का ये इस तरीके से पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया, थोड़ा थोड़ा करके धनिया इसमें ऐड कीजिएगा और थोड़े सा पानी इसमें ऐड करिएगा, जिससे कि ये आसानी से पीस जाएगा। देखिए, मैंने धनिया और वो मैंने इस तरीके से पीस लिया है। अभी थोड़े से और इसके अंदर नारियल के टुकड़े के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं, अभी बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड करूंगी, वो फिर से ग्राइंड करूंगी तो ये सारी चीज़ें भी पीस जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा मीठा नीम डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने बघार लगाने के लिए रख लिया है। हमने जो इसमें लहसुन लिया था, लहसुन की कुई मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अदरक ऐड कर रही हूँ एंड हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसे मिक्सर में फिर से घुमा लेंगे। अभी इस तरीके का बैटर हमें दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी हमें ऐड और करना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और एक बार फिर से ग्राइंड करूंगी।
लास्ट में जो हमने चने की दाल भिगोई थी उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये आसानी से 2 मिनट के अंदर पिस जाती है, क्योंकि ये अच्छे से गल चुकी है और नारियल और बाकी की चीज़ें थोड़ी सी हार्ड रहती है तो उसको मैं थोड़ा सा पीसने में समय लगता है। तो अब मैं इसमें ये चने की दाल जो है वो ऐड कर रही हूँ। अभी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पीस कर रेडी हो गई है। देखिए अभी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होकर के रेडी हो गई है। इसमें कोई भी ऐसी आखी या खड़ी चीज़ नहीं रही है जो अपने मुंह में आए। ये पूरे अच्छे तरीके से बारीक पीस के हमने तैयार कर ली है। अब हमें इसमें लगाना है बघार। तो अब हम चलते हैं बघार लगाने के लिए। इसे मैं एक पैन में खाली कर लूँगी। लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन रखा है, उसमें मैंने ये गर्म होने के बाद में उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने आधा चम्मच राई ली थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और मैंने आधा चम्मच उड़द की दाल ली थी बिना छिलके वाली वो ऐड करूंगी। इसको थोड़ी देर तक सुनहरे होने तक इसे फ्राई करना है। दाल जो है वो थोड़ी सी सुनहरा फ्राई हो जाए जब तक इसे फ्राई करना है, उसके बाद में हमें कड़ी पत्ता ऐड करना है। अभी देखिए हमारी दाल बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो गई, सुनहरी हो गई है। अब इसमें हम लोग कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और स्वादानुसार नमक जो लिया था वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अभी हमारा बघार देखिए बन के तैयार हो गया। अब इसे मैं इसमें चटनी में ऐड कर लूँगी। मैं नमक बघार में इसलिए डालती हूँ कि जो दाल और हम लोग दाल का जब हमारे क्रिस्पीपन चटनी में आता है तो उसका टेस्ट बहुत अलग ही लगता है, इसलिए मैं नमक तड़के के टाइम डालती हूँ। आप अगर चाहें तो नमक को चटनी बनाते समय भी ग्राइंड करते समय मिक्सर में ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी हमारी चटनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। वाकई बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कैसी बनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।